हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं कर रही, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सोफ़ा कवर की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि मैंने खुद बनाया है। मेरा एक सूट था पुराना, तो उसके साथ मैंने ये बनाया है लेस लगा के। तो बहुत ही ईजी है इसकी स्टिचिंग और कटिंग। आप लोग के साथ ये मैं शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इसके साथ जो ये कुशन्स हैं, ये भी मैंने खुद ही बनाए हैं घर पे। मेरे पास दो पिलो पड़े हुए थे, तो उनसे मैंने ये कुशन्स बनाए हैं। कैसे बनाए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा। और ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये लेस लगाई है मैंने साइड साइड में। तो ये था वो सूट जिसका मैंने बनाया है। ये सूट मैंने मीशो से लिया था, तो पहन के ये थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो मेरा फेंकने का मन नहीं था इस सूट को। तो मैंने सोचा इसका मैं कवर बना देती हूँ सोफे का। लाइट कलर है, छोटी छोटी बूटियाँ भी हैं, तो सुंदर भी लगेगा। और लाइनिंग के लिए मैं नीचे लगाने वाली हूँ इसमें ये कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा। ये सफ़ेद कपड़ा मेरे घर में ही पड़ा था पहले से ही, मैंने परचेज़ नहीं किया है। सोफ़ा कवर बनाने के लिए मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है मार्केट से, बस एक लेस परचेज़ की है, वो मीशो से की थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिछाया है चुन्नी, और जितना मुझे मेजरमेंट के हिसाब से बनाना है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है चौक से, और नीचे का अस्तर भी मैंने उसी हिसाब से काट लिया है। अब मैं करूँगी स्टिचिंग, लेकिन मुझे इसकी तीन साइड में लगानी है लेस। तो सबसे पहले मैं इसको सीधा करके लेस ही लगा लूँगी, और उसके बाद जो इसकी चौथी साइड है उसको भी मैं स्टिच कर लूँगी थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है उसको अंदर करके। और जो मैंने इस पर लेस लगाई है ये कुछ ऐसे दिखती है, जो कि मैंने मीशो से परचेज़ की थी 360 में 10 मीटर। तो कुछ इस तरह से मैंने स्टिचिंग करी है लेस के साथ, तीन साइड लेस लगा दी है, और एक साइड जो बैक साइड है उसमें मैंने लेस नहीं लगाई है, क्योंकि वो उल्टी हो जाएगी, मतलब जो है सोफे के बैक साइड में आएगी, तो वैसे भी लेस कुछ उसमें दिखाई नहीं देगी। तो ये मेरा बैक कवर बन के रेडी हो गया है। तो मुझे बनाना है इसका सीट का कवर, और उसके लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे अपनी कुर्ती। कुर्ती को मैंने सीधा सीधा काट लिया है, तो सीधा सीधा काटने के बाद मतलब कि मैंने कुर्ती का ऊपर का साइड जो था वो हटा दिया है, और नीचे का साइड ये बचा है। तो इसमें बीच में ये कट था, तो इसको सबसे पहले मुझे ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी इसको ज्वाइंट, तो यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है। अब बारी है आगे के प्रोसेस की। तो ये जो सीट कवर मैं बना रही हूँ इसमें मुझे लगानी है एक साइड लेस, जो कि सिर्फ आगे की साइड दिखाई देगी, जो बाकी की तीन साइड है वो पीछे सीट में दब जाएंगी, तो उसमें मुझे लेस नहीं लगानी। सबसे पहले मैंने इसके साइज़ का अस्तर काट लिया वही कपड़े में से जिसका मैंने बैक साइड का अस्तर काटा था वैसे ही, और उल्टा करके मैं इसके तीन साइड अच्छे से पहले स्टिच कर लूँगी। और तीन साइड स्टिच करने के बाद इसको करूँगी सीधा, और सीधा करने के बाद जो एक साइड बचेगी जो मैंने स्टिच नहीं करी है उसमें मैं लेस लगा के इसको पूरा स्टिच कर दूँगी। तो ये मेरा पूरा बन के रेडी है। यहाँ पर मैंने लेस लगाई है फ्रंट में, और ये तीन साइड मैंने लेस नहीं लगाई है। तो ये मेरा सीट कवर भी यहाँ पे बन के रेडी है बहुत ही इजी तरीके से। तो अब है मेरे पास ये दो पिलो, इन पिलो का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब कि हमारे पास दो एक्स्ट्रा पिलो हैं हम लोग वही यूज़ करते हैं। तो ये पिलो थोड़े से पुराने भी हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको मैं बनाऊँगी कुशन। तो ये दो पिलो मैं यूज़ करने वाली हूँ जिसके मैं तीन कुशन कवर बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने मेजरमेंट किया तो ये 27 आ रहा था इंचज़ में, तो इस मैं बनाने वाली हूँ 16x16 के कुशन कवर्स, तो मैं 16 के अकॉर्डिंग इसको काट लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें जो फाइबर भरी हुई है साइड से पिलो को काट के उसको पूरी को निकाल लूँगी, ताकि मुझे 16 इंच की कटिंग करना इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने साइड से कटिंग कर ली है, और ये जो फाइबर है ये भी बाहर निकाल ली है। अब मैं निशान लगाऊँगी इसमें 16 इंच का, और 16 इंच के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करूँगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सिलाई के अंदर आ जाएगा, तो 16x16 का प्रॉपर बन जाएगा ये कुशन। 16x16 के कुशन कवर बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 16 इंच का कुशन कट करना है, और उसके अंदर फाइबर फिल कर देनी है, और चारों साइड को अच्छे से स्टिच कर देना है, और ये बनके रेडी हो जाएगा। और ऐसे ही मैं ये तीन कुशन कवर बनाने वाली हूँ, जो आगे आपको अभी वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अंदर मैंने फाइबर फिल करने से पहले इसको धो दिया था, और यहाँ पर मेरे तीन कुशन बन के रेडी हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कतरन बची हुई है जिसका मैं यूज़ करके इन पिलो के कवर बनाने वाली हूँ। तो ये चुन्नी के साइड में लगी हुई थी लेस,
और ये है मेरे पास ऑरेंज कलर का एक कपड़ा जो कि मेरा एक सूट था उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। तो इनकी मैंने लंबी लंबी पट्टियाँ काटी और इन दोनों को मैंने आपस में स्टिच करके एक कुशन कवर का आगे का फ्रंट का डिज़ाइन बनाया है। फ्रंट साइड से ये कुछ ऐसा बना है। इसके बैक में मैं लगाऊंगी वाइट कलर का कपड़ा ताकि ये जो कपड़ा है ये भी थोड़ा सा मजबूत हो जाए और थोड़ा सा ज़्यादा उभर के आए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला है जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये चुन्नी का कपड़ा था जो ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, येलो क्रीम कलर का जो आपको दिख रहा है। और ये मैंने साइड से काटा था, ये चुन्नी की लेस थी तो मैंने साइड से यहाँ से ये काट ली थी, जिसको मैंने स्टिच करके एक फ्रंट का कवर बनाया है पिलो के लिए। ये मेरे पास एक कपड़ा और बचा हुआ था जो ऑरेंज वाला सूट था, उसकी ये सलवार का कपड़ा था जो मेरे पास बच गया था जब मैंने ये ऑरेंज वाला सूट स्टिच किया था तब। तो यहाँ पे मैं काटने वाली हूँ 17 इंच की पट्टी लंबी और इसको भी मैं यहाँ पे कुशन कवर बनाने के लिए ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 17 इंच का निशान लगा के इसको कट कर लिया है और इसको दो अलग पट्टियों के साथ स्टिच करके कुशन कवर बनाने का ट्राई करूँगी, क्योंकि जो मेरे पास कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा है, उसमें मेरे पास अब बस पजामी बची हुई है तो मुझे और भी कुछ बनाना है उसका, इसलिए मैंने अलग अलग कपड़े की ये पट्टियाँ काट के स्टिच कर ली और ये बन गया है कवर का फ्रंट। और पीछे लगाया है मैंने प्लेन कपड़ा। अब मैं इसमें जो साइड है वहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी दोनों साइड से, लेकिन उससे पहले लगाऊंगी निशान ताकि जो ये कपड़ा है इधर उधर खिसके ना और ये जो मैं सिलाई लगाऊँ वो बिल्कुल सीधी सीधी लग जाए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो निशान यहाँ पे लग गया है, तो जहाँ पे मैंने निशान लगाया है दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर करके सिलाई लगा लूँगी। साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं करूँगी इस कपड़े को उल्टा, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये दोनों साइड मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं इसको पूरा उल्टा कर दूंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कपड़ा अभी आपको कम दिखाई दे रहा है तो इसमें मुझे भी जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इसमें मैं लगाऊंगी थोड़ा सा जॉइंट क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा छोटा था। तो जॉइंट लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और अब मैंने यहाँ पर साइड में भी सिलाई लगा ली है ताकि जो साइड का कपड़ा है वो दिखे ना, वो थोड़ा सा दब जाए। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर ये साइड जो हैं, जो ये बाहर की साइड रह गई हैं, इनको स्टिच करूंगी और इनको स्टिच करने के बाद इनको अच्छे से अंदर भी कवर कर दूंगी ताकि इन कवर जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए, बाहर दिखाई ना दे, गंदा ना दिखे। और ये बनने के बाद लग रहा है कुछ ऐसा, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है क्योंकि मैंने ये बिल्कुल वेस्टेज से ही बनाया है, आपके सामने ही बनाया है और ये रहा है पिलो के ऊपर चढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है और ये बैक साइड से है कुछ देखने में ऐसा। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये है मेरे सोफे का पहले का लुक, बिफोर लुक, ये कुछ ऐसा दिखता था। तो अब मैं बिछा रही हूँ सोफे के ऊपर इस कवर को जो मैंने स्टिच किया है। मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, समर के हिसाब से पूरा एप्रोप्रिएट कलर है, लाइट कलर है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है लुक। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।